हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार ऐसे आईटी स्टॉक्स के बारे में जिस पे कि सीएलए से बुलिश है। जैसा कि आपको पता होगा कि सेकेंड क्वार्टर का अर्निंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे में सीएलए ने ऐसे चार स्टॉक चूज किए हैं जो कि इस अर्निंग सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि वो चार स्टॉक कौन कौन से हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू काइज फाइनेंस। अब देखिए, अगर बात करें अपने सबसे पहले स्टॉक की, तो पहला स्टॉक है टेक महिंद्रा। अब देखिए, टेक महिंद्रा का जो टारगेट प्राइस है वो 780 रुपये से लेके 940 रुपये हो गया। इसका मतलब कि जो इसमें अपसाइड है वो अप्रॉक्स 14% के आसपास है। अगर इसका क्लोजिंग प्राइस देखें जो कि 1 अक्टूबर को, तो वही 821 रुपये था। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि करीब 950 रुपये तक का टारगेट दिया है सीएलएसए ने। तो वहीं अगर टेक महिंद्रा के Q2 रिजल्ट की बात करें तो वो 23 अक्टूबर को आने वाला है। तो वहीं अगर बात करें अपने दूसरे स्टॉक की, तो दूसरा स्टॉक है एससीएल टेक्नोलॉजीज। अब देखिए, एससीएल टेक्नोलॉजीज में अगर देखें तो इसमें अपसाइड अप्रॉक्स 12% के आसपास है, और अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो ये 16 अक्टूबर को इसका रिजल्ट पेश होने वाला है। और अगर बात करें अपने तीसरे स्टॉक की, तो तीसरा स्टॉक है इन्फोसिस। अब देखिए, इन्फोसिस का टारगेट प्राइस भी सीएलएसए ने बढ़ा दिया है। पहले इसका टारगेट प्राइस था 1150 रुपये, लेकिन अभी इसने अपने टारगेट प्राइस को बढ़ा के 1180 रुपये कर दिया है। और वैसे भी इन्फोसिस ब्रोकरेज की बहुत पसंदीदा चॉइस होती है। इन्फोसिस अपने सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट 14 अक्टूबर को पेश करने वाला है। तो वहीं अगर बात करें अपने चौथे स्टॉक की, तो चौथा स्टॉक है TCS। TCS का अगर टारगेट प्राइस देखें तो वो 2550 से लेके 2610 रुपये हो गया है। और अगर बात करें इसका क्लोजिंग प्राइस की, तो 1 अक्टूबर को ये 2540 रुपये में ये क्लोज हुआ था। और अगर बात करें इसके रिजल्ट की, तो वो 7 अक्टूबर को अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।